बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमर साजिद। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.8 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 इस वीडियो में, जिसमें आर आर वन आर टू और आर थ्री को मल्टीप्लाई करें तो प्रूव करना है डेल्टा स्केयर के इक्वल आता है। अब आर वन की वैल्यू, सबसे पहला स्टेप होता है आपने एक साइड चूज़ करनी है, तो यहाँ पर जो राइट लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास ज़्यादा कम्प्लेक्स है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आर आर वन आर टू और आर थ्री। उसके बाद स्टेप नंबर वन की तरफ चलेंगे। स्टेप नंबर वन है सब्स्टिट्यूट करने हैं फार्मूलाज, तो यहाँ पर आर का फार्मूला, आर वन आर टू और आर थ्री का फार्मूला यूज़ होगा, तो ये हम फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आर की वैल्यू है डेल्टा ओवर एस, आर वन की वैल्यू है डेल्टा ओवर एस माइनस ए, आर टू की वैल्यू है डेल्टा ओवर एस माइनस बी और R3 की वैल्यू है डेल्टा ओवर S माइनस सी। जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा, डेल्टा का स्क्वायर, डेल्टा का स्क्वायर, डेल्टा का क्यूब और डेल्टा की पावर 4, तो ऊपर आ जाएगी डेल्टा की पावर 4, नीचे आ जाएगा S, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। स्टेप नंबर 3 ये होता है, स्टेप नंबर 2 होता है सिंप्लीफिकेशन। अगर कुछ कटिंग हो रही है तो कट कर दें, यहाँ पर कोई कटिंग नहीं है, प्लस का साइन नहीं था दरमियान में, इसलिए एलसीएम भी नहीं लेना, तो ये सिंपल आ गया है, इसके अब मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। स्टेप नंबर 3 है हमारे पास कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद मिसिंग फैक्टर ताकि डेल्टा बन जाए। तो हमारे पास यहाँ पर हम देखा तो एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, कोई फैक्टर मिसिंग नहीं है, ये कंप्लीट लिखा हुआ है, तो ये किसके इक्वल है, डेल्टा के स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू, मतलब ये फार्मूला पुट कर देंगे कि ये तो इक्वल है डेल्टा के स्क्वायर के। स्क्वायर जब कटेगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो पीछे आएगा 2, इसको आप यूँ भी कर सकते हैं, डेल्टा की पावर 4 नीचे से जाकर माइनस 2, तो ये आ जाएगा डेल्टा की पावर 2 और यही क्या है आपके पास, आपकी राइट हैंड साइड है। मजीद सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर नहीं है, सिर्फ आपके पास ये इसके स्टेप्स हैं, पहले स्टेप में फार्मूला पुट करना है, दूसरे स्टेप में सिंप्लीफिकेशन, मल्टीप्लाई हो रहे थे तो सबको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। उसके बाद स्टेप नंबर 3 है डेल्टा बनाना होता है, तो यहाँ पर कोई फैक्टर मिसिंग नहीं था, ये डेल्टा स्क्वायर के इक्वल आ गया। ये 2 है ऊपर जाकर 4 में से 2 माइनस कर देंगे, बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स माइनस हो जाएंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 और ये राइट हैंड साइड है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपका क्वेश्चन क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। अब इसकी क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, जो कि एक लेंथी और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन 5 का पार्ट 3 है, वो करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।